बिटिया का क्या, ठीक है ना। तो जो है वो अब बताइए, एक आदमी एक कोर्ट बना करके दे दिया और फर्स्ट क्लास कोर्ट बना रहा है इलेक्ट्रिक। ये भाई ने मैंने बोल दिया, यही जिसको भाई विद्यानाथ यादव ने क्या बोला, मैं मोटिवेट करूंगा। हमने कहा वो तो कहते हैं रायबरेली का कारखाना है, अभी सुधीर भाई आए तो हमको रायबरेली का कारखाना किया था। रायबरेली के कारखाने में 1900 लोग काम करते हैं, क्यों सुधीर? लालगंज में 1900 लोग काम करते हैं और 1960 कोचेज हर साल बना करके हम, यानी एक आदमी एक साल में एक कोच बना करके दे देते। और क्या जान लेंगे बच्चों, ये फिल्म का डायलॉग है लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं तो कहूंगा नहीं तो सब अच्छा होता खल नहीं। उसने बोल दिया कि सबसे पहले अगर हम किसी को बेचेंगे तो रायबरेली को बेचेंगे। अरे यार कालिया क्यों जाता है इधर, आपको भेजने की बात करता हूं। अरे मारो, अल्टीमेटली तो खुद ही विदा होगा। तो वो कहने लगे, कहने लगे नहीं मैं मोटिवेट करूंगा और हम जो हमारा उत्पाद होगा उसको देश में नहीं यूज करेंगे, हम उसको फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे, हम ऐसा उत्पाद बनाएंगे अपने कारखानों। तो हमने उनको बहुत बधाई दी अपनी वैष्णव जी को। लेकिन एक बात उनसे ये भी पूछी कि जो बात आप कह रहे हो वो आपने अपने मुखिया से पूछ ली, क्योंकि आपकी सरकार को प्राइवेटाइजेशन के हक है और वो तो 3 साल चला गया रेलवे जो पहले वाला था, आपको तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए, क्या जल्दी जाने का इरादा है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जो बात मैं कह रहा हूं वो अपने मुखिया अपने कैप्टन अपने प्रमुख से बात करके कह रहा हूं, उनकी इजाजत से। दिमाग में भी आया कि यार ऐसा बात नहीं है, लोग कहते जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो बिल्कुल अंधी हो, उसको भी आपकी ताकत का पता है और अगर वो जानते हैं कि रेल कर्मचारी जुट जाएंगे तो कुछ कर देंगे। भी बीच में गड़बड़ करी थी आईसीएफ में, सीमेंस के लोगों को जमीन दे रहे थे आईसीएफ के अंदर मद्रास, हम लोगों ने अंगद की तरह पैर टेक दिए वो भाग गई। अभी सुना है कि लाटूर में उनको कहीं जगह दी, कोई नया कारखाना लगा रहे थे वहां उनको निकाल, लेकिन वहां नहीं कर पाए। तो अगर आप तैयार रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं। हमने पहले भी बहुत बार संघर्ष किया, रेल को बचाया है, आने वाले समय में भी रेल रहेगी और अगर रेल नहीं रहेगी तो आखिर से आज रेलवे में रेलवे का जो भविष्य है वो 8 लाख हमारे बच्चे और बच्चियां हैं जो 1 जनवरी 2004 की बात करती है, उन युवाओं का क्या होगा जो एक सपना लेकर के भागती रहेंगे। इतने पढ़े लिखे हैं, कभी कभी उनसे चर्चा करो तो ऐसा लगता है कि हम कहीं स्टैंडिंग नहीं करते, बीटेक है, डिप्लोमा है, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट कितने हैं कि उसके वही नहीं, मजबूरी थी, देश में रोजगार की कोई रीति नहीं है इसलिए यहां मिट्टी कूटने के लिए आ गए। अदरवाइज वो प्रोफेसर होना चाहिए था, उनको जय बनना चाहिए था, उनको इंजीनियर बनना चाहिए था। राम नारायण जी ने सचिन दबा, राम नारायण जी ने सचिन दबा, ऑल इंडिया रेलवे मंत्री सचिन दबा। कभी भी हम लोगों ने कोशिश जारी कि भाई इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, अपने कारखानों को भी डेवलप करना, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना और डेवलप इसलिए करना है क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी बच्चियों का भविष्य, अगर वो नहीं उनको यहां पर रोजी रोजगार नहीं रहेगा, ये निजी हाथों में चला जाएगा तो कहां जाएगा, उनके सपने टूट जाएंगे। आज उनके पास सपने हैं, उनके माँ बाप हैं, उनकी सेवा करनी, अपने बहन भाई को पढ़ाना लिखाना,
खुद की शादियां करनी है, उनकी भी शादियां करनी है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्माण कैसे करें? तो ऑल इंडिया फेडरेशन के पास मुद्दे हैं, उनको वो लेकर के आगे बढ़ने को कहा। और हमारे जो साथी है, हमारा विरोधी या विपक्ष कोई नहीं, मैं मानता ही नहीं, यह उदाहरण मैंने कभी बनाई नहीं कि हमारा कोई विरोधी है या हमारा कोई विपक्ष। सोच और विचार में फर्क होना स्वाभाविक है, कभी कभी घर में भी हो जाता है। लेकिन घर में हो जाता है तो मैं तो जब तक घर में वैचारिक मतभेद होते थे तो मैं खुद ही चुप हो जाता, उसी में भला होता। मैं नए बच्चों को भी ये कहूंगा कि घर में कभी भी वैचारिक मतभेद हो या कोई भी मतभेद हो तो सौ की भली चुप होती है, अगर चुप हो जाओगे तो बहुत सुखी रहोगे। इसीलिए मामला जो है प्रधानमंत्री के दरबार में, अदरवाइज नहीं जाते। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी को कि ये उनका चार्टर डिमांड है और इससे नीचे वाले तैयार नहीं है, तो पहले तो खबर मिली थी कि बहन जी बात करेंगी, लेकिन बाद में खबर आया कि नहीं प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। थोड़ा सा झटका तो था हम लोगों के लिए भी, लेकिन चूंकि एक मानस बना हुआ था कि जो हम लोगों ने सोचा है उससे नीचे जाने का काम नहीं, तो उन्होंने कहा चलेंगे बात करेंगे, उनको भी विनम्रता से कहेंगे कि भाई हमारी मांग है, कोई नाजायज तो नहीं लगती है और हम इससे कम पे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन विचार तो होते ही हैं, तो विचार हम भी वो फिल्मी लय में सोचते हुए चले गए कि आज उनसे पहले मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या, क्या पता क्या होगा। लेकिन जाने के बाद जो बड़े अच्छे हुआ, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किए, बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, एक फैमिली जिसे मिलती है, घर का मुखिया जिसे मिलता है इसे मिले, हमें नहीं लगा कि मैं किसी प्रधानमंत्री से मिल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुन लिया और मैंने इनसे कह दिया है कि अगर आप 40% दे सकते हैं तो 50% देने में क्या मुश्किल है, आपकी सब मांगे मान लीजिए सरकार। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलिए, तो उन्होंने सवाल। तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि कुछ लोगों का काम चंदा और धंधा है, QR कोड डाल करके पैसे मांगते रहते थे, लोग उनको जानते हैं, एक सफेद टोपी लगाते हैं उसके ऊपर कोई लिखवा लेते हैं, टोपी में पैसे बहुत कम खर्च होते हैं, झंडे के पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने में करते हैं, उसके भी रिकॉर्ड हम लोग पास में है, लेकिन हम लोग चुनाव के समय उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। अगर संस्था के नाम जमीन खरीदे तो अच्छा भी है, लेकिन जितनी जमीन खरीदी जाती है वो रिश्तेदारों और बीवियों के नाम खरीदी जाती है, वो थोड़ा गड़बड़ काम है। तो खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए आप जो दिलवा सकते हैं लोगों को आप वही बात करिए, लोगों को सपने मत दिखाए कि अब तुमको आसमान के तारे ला देंगे, आसमान के तारे मिलेंगे नहीं, उनके सपने टूट जाएंगे, और सपने नहीं टूटते दिल टूटते। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने कभी भी दिल तोड़ना सीखा नहीं है, और सारी जिंदगी मैं आपको बता देता हूं कि मैं तो किसी के सपनों को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सपने मेहमान ने इतनी बुरी तरीके से तोड़े हैं कि मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि किसी के भी सपने, हमेशा यही सोचूंगा कि ईश्वर किसी के सपने नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए जो बातें नहीं हो सकती उन पर चर्चा नहीं करें। उन्होंने जो सीमा बना रखी थी 35 वर्ष की, उसको 25 वर्ष पे लाने का अभी काम है, और अभी आपको विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 2 साल इंतजार कीजिए, विदिन 2 ईयर ये सीमा 20 साल हो जाएगी। इस बात के लिए मैं आपको ये चीजें आपके रिकॉर्ड नहीं है,
ये चीजें आन दे रखा है चल रही कि किस तरीके से क्या किया। आप लोग 10% के लिए परेशान रहते हैं। देखिए चुनाव तो बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, ये तब हो रहे हैं जब हम लोग कोर्ट में जा कर के कंटेम्प्ट किए हैं, तब सरकार ने 11 साल के बाद में चुनाव कराने का फैसला किया। हम सारे भारत में दौरा कर रहे हैं और जो कर्मचारियों का मूड साफ तौर पर नज़र आ रहा है उससे ये लग रहा है कि 17 जून में और 2 प्रोडक्शन यूनिट में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन से संबंधित यूनियनें पूरी ताकत से जो है वो जीत करके आने वाली है। नॉर्दर्न रेलवे पर हमारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को और भी ताकत मिली है क्योंकि हमारे OBC एसोसिएशन के साथी, हमारे ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के साथी, पॉइंट्समैन एसोसिएशन के साथी और कुछ और जमातें जो हैं हमारे साथ में मजबूती से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि हम नॉर्दर्न रेलवे पर सिंगल यूनियन भी आ सकते हैं, ऐसी हम लोगों को आशा है। आज का ये जो आयोजन आयाम सभा हुई है, इस आयोजन से क्या लगता है आपको, किस तरह की ताकत आज मिली? अब मुझे मैं तो इसके बारे में अपना ही पक्ष रखूंगा, लेकिन मेरी समझ से आप लोग इसके लिए बहुत बेहतर जो है वो एक क्रूशिबल टेस्ट आप लोग कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि आज इन जो लोगों ने जो सभा की है वो चुनावी सभा नहीं थी, ये विजय सभा थी और इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जो रिजल्ट्स हैं वो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पक्ष में आने वाले हैं। साथियों जी, ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन नॉर्दर्न रेलवे की ओर से हमने देश की सबसे रेलवे की और देश की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को अपना समर्थन दिया है। जो यूनियन 1924 से लेकर आज तक कर्मचारियों के हितों की बात करती रही है, कर्मचारियों के अधिकारों को दिलाने की बात करती रही है, हम लोगों ने ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन और उनके कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया कि आज के परिवेश में अगर कोई कर्मचारियों का अधिकार दिला सकता है और अभी तक जो अधिकार दिलाए हैं तो केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है। इसलिए हम लोग कर्मचारी लोग सारे लोग मिलकर नॉर्दर्न रेलवे में केवल और केवल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को ही जिताएंगे और वो एकल यूनियन के रूप में आ रही है। आगामी चुनावों में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को समर्थन का ऐलान किया है, ये समर्थन लंबी वार्ता के बाद किया गया और हमारे अभी तक के अनुभवों का आधार पर किया गया। शायद आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को जानकारी होगी कि लखनऊ मंडल में पिछले 8 महीनों से ये स्थिति है कि स्टेशनों पर गंदगी फैली हुई है, प्रशासन उनका भुगतान नहीं कर रहा, जो लेबर वर्ग है वो पैसे के लिए तरस रहा है और इस समय तो स्थिति ये हो गई कि अमूमन स्टेशनों पर गंदगी फैली हुई प्रशासन। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ही सामने आई है, लगातार वार्ताएं कर रही है, प्रशासन पर दबाव बनाए हुए, बाकी यूनियन हम कहीं ज़मीन पर नहीं देख रहे। तो हमारी सामूहिक कार्यकारिणी ने यह फैसला किया कि जो संस्था लगातार कर्मचारी के बीच में काम करती है, उनके लिए लड़ने काम करती है, हम उसे ही समर्थन देंगे। इसलिए हमने नॉर्दर्न रेलवे में यूनियन को आगामी चुनाव में धन्यवाद। सकते हो तो